हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं राखी जोशी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज है हमारे जो छोटे भाई जी हैं, हमारी जो दूसरी फैमिली के हैं, उनकी शादी है आज। तो हम उनकी शादी में आए हैं। और ये देखिए गाइस, ये होता है कि गांव की जितनी भी लड़कियां हैं, उनके पास ना कुछ केजी या कुछ आटा वगैरह दिया जाता है। तो सारी गांव की लड़कियां अलग अलग घर में जाके रोटी बनाती हैं, चूल्हे में जाके। और फिर जब बन जाती तो उनके जिनके घर में शादी है उनको दिया जाता है फिर, ठीक है? मतलब सारा आटा वगैरह रोटी बना के सब उनको दे दिया जाता है, ठीक है? अभी ये लोग खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे जो ध्यानठुड़ियाँ होती है उनकी, जो वो लोग बकरा वगैरह लेके आते हैं पहली शादी में, तो अभी उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं। अभी देखिए ढोल वगैरह से उनका स्वागत करते हैं, फिर वो बकरा भी लाते हैं और जो ढोल जो हमारे बाजी वगैरह है उनको मतलब पैसे वगैरह भी देते हैं, ठीक है? फिर उनको धूप से धोपा जाता है, मतलब जितने भी आएंगे, जैसे जितनी भी लड़कियां होती हैं ना जो मैरिड होती हैं, तो बकरा वगैरह लेके आती है। तो अब देखिएगा हमारी रोटी तैयार हो रही है, हमारे कुछ लास्ट की रोटीज़ बनी बची हुई है। और ये है मेरी छोटी बहनें, जिनको कि ऐसा होता है कि चार पांच लड़कियां जाती है एक साथ, या फिर दो दो, कम होती है तो दो दो, ज़्यादा होती है तो चार पांच। तो ये छोटी छोटी है, तो एक मैं आ गई थी। ये है मेरी नानी, तो ये भी घर पे है, तो इन्हीं का घर है, मतलब रम सिंह आना है वो, तो उन्हीं के घर पे हम लोग बनाने के लिए आ गए थे। और देखिए हमारा फिनिश हो चुका है काम ना, अब हम लोग ये आटा वगैरह पूरा करके अच्छे से, फिर मतलब जो रोटी है उसको एक उसमें जो जिसमें हम आटा लेके आए थे उसमें हम अच्छे से उसको सेटिंग करके उसको लेके जाएंगे दूल्हे राजा के घर, ठीक है? जब फिनिश रहेंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे चूल्हे में बहुत जलने का भी डर रहता है क्योंकि चिमटा वगैरह तो बहुत भारी चिमटा होता है, तो उसका यूज़ तो कर नहीं सकते हैं काफ़ी, मतलब उसका जो यूज़ है ज़्यादातर मोस्टली मैं तो कोयले निकालने के लिए करती हूँ क्योंकि काफ़ी भारी होता है, वो लोहे का होता है। और बाकी ये दी है बैठी हुई सामने, उनके छोटे बच्चे, वो भी ऐसी बैठने आ गए थे हमारे साथ। और ये देखिए मुझे, मैं उसको बार बार बोल रही थी कि मेरी वीडियो अच्छी आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए करके। तो ये देखिए ऐसे रोटी की सेटिंग करते हैं, ठीक है, पूरा ऊपर तक, और लास्ट में जो ये गोल जो बचा हुआ है इसमें एक रोटी रख देते हैं ऊपर से, ठीक है? उसके बाद ये जब पूरा सेटिंग हो जाती है उसका, उसके बाद इनको लेके जाते हैं अभी। तो देखिए अब सेटिंग भी कर दी है, अब लेके जा रहे हैं दूल्हे राजा के घर इसको, जो कि हमारे भाई जी है, हमारी अपनी फैमिली के ही है, शितवाण है हमारी फैमिली का नाम। तो हमारे जो दाई बोलते ना दूसरे परिवार को, शायद तो वही है। ये देखिए अब हम लेके जा रहे हैं उनको, तो हम इनको बोल रहे थे कि थोड़ा हमारे दूर से वीडियो बनाना, हम पूरे आने चाहिए करके हम इनको ऐसा बोल रहे थे, ठीक है? तो ये देखिए गाइस, आज हम शाम को, ये मेहंदी की नाइट है, ये शाम को हम लोग खाना खाने जा रखे हैं, तैयार नहीं हो रखे थे कुछ भी, लेकिन थोड़ा वैसे ही ये है हमारी बड़ी भाभी जी हमारी, तो हम लोग सब तैयार हो रखे थे। फिर खाना खाने हमें तैयार तो नहीं हुए, पर ऐसे ही ये लोग तैयार हो गए थे तो हम खाना खाने चले गए। नाउ अब मेहंदी है, तो मेहंदी के लिए हमारे जो मेरी जो घर की लेडीज वो है, लेडीज हैं वो भी, मम्मी लोग हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, और ये मेरी बहनें हैं और ये मैं तैयार हो चुकी हूँ। क्योंकि हमारे गाँव की जो सारी लड़कियाँ हैं वो सारा सब लोग घाघरा पहन रहे हैं, हमने डिसाइड किया था, तो नाउ हम भी घाघरा पहन रहे हैं, ये हमारे बड़े पापा है। और ये हम लोगों को तैयार होने के लिए सारे रूम बुक है हमारे घर में, कुछ नहीं मिला तो हम किचन में आ गए, ठीक है? तो हम लोग किचन में तैयार हो रहे हैं और देखिए हम देख रहे हैं कि क्या अच्छा हो। ये जो है, ये मैंने जो पहना है ये बुआ का हार है, और जो मैंने झोंका पहना है ये मेरी दी का है, ढाटू भी मेरी दी का है, घाघरा दूसरे दीदी का है। तो ये अब ये लोग जा रहे हैं, तो हमारी एक दी है, उनका मेकअप ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं उसको उनका वेट कर रही थी। नाउ ये देखिए, ये लगी मेहंदी की हारू, और अभी क्या देखिए हम लोग
छेतवाणु के दार के जय जीव जानपुर दार के भी से छेतवाणु के दार के आनों का कष्ट करिया काई के मोइदा का टाइम है शुरू लगा हुई Thank you.
तैयार हो गई हूँ डांस करने के लिए। ये लोग अभी अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके, घाघरे फोल्ड करके रख रहे हैं, अपने जेवर वगैरह, ज्वेलरी, और हम चले आंगन में। तो हमने थोड़ा आने में लेट हो गई। ये लास्ट सॉन्ग था आज की महफिल का, ये लास्ट सॉन्ग था, तो जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे वगैरह डांस कर रहे थे नॉर्मली। तो थैंक यू गाइस मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और आगे शादी का भी देखना। ये आज मेहंदी का ब्लॉग था। थैंक यू सो मच।